भी मन बना लो, अगर नहीं वो सुनवाई तो इतनी मट्टी को तेल डाले जी। जे कह रहा पाल साहब, नहीं सर हम झूठ नहीं कह रहे, वो हमें नहीं तो हम क्या दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन हम नेटल लिखे पानी को लेखपाल द्वारा, लेखपाल ने हमसे थाने में भी बोले पुलिस वाले ने खाते 1,000 रुपया मैंने पुलिस वाले को दिया, 2,000 रुपया थाने में लिया लेखपाल ने लाया और 10,000 रुपया अलग से है। तब जे लोग गए तो इन लोगों ने सीधी फोन से एक जगह बैठ के बोले तुम्हारा पूरा है, बोले ठहराएंगे ठहराएंगे। तो सब ढीला सब जगह जो चल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, अब भरोसा है कि डीएम साहब भैया दोबारा सुन लेने की मदद हो जाए कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को हटाओ जाए। लेखपाल जो बदमाश है इतनी मनमानी कर रहे हैं, इतनी दलाली खा रहा है लेडीज के नाम पे, लेडीज के रिकॉर्डिंग है ना करें, क्योंकि कहा कुछ सुने वालों ने भरोसा है जो जो वीडियो देखे पहले तो शेयर करें और कमेंट करें कि आखिरकार पाल साहब सही है अभी दलाल सही है, आखिरकार ऐसे दलालों को जेल की सराफत होना चाहिए, उनकी नौकरी तत्काल बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि जो परेशान है पाल साहब ऐसे लोग परेशान हुए हिंदुस्तान में, तो ऐसे कैसे जो अपने बाल बच्चा पाल सकते। हजारों राम राम नमस्कार, हमें देवन बता दें आपको झांसी के जिलाधिकारी के सामने बैठे एक ऐसा मामला आओ है, बता दें आपको जी बच्चा बैठे जी हैं पाल समाज से, इनको मामला है कि दबंगों ने ग्रामीणों को बंधक बनाकर की मारपीट, जो हम नहीं कह रहे जो अखबार भी कह रहा हूँ, जे अखबार कम से कम 1 साल पुराना है संभाल के रखें, पन्ने भी छापो दैनिक जागरण भारत ने, जाके अलावा पूरी सच्चाई का है कि चार साल हो गए आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको ना तो कोई सुनने वालों है ना इनको कोई दुख सुख में मदद करे वालों है। तो आज जो हमें टकरा गए जिलाधिकारी के सामने जी ज्ञापन दिया, ज्ञापन तो ऐसे अनेक बार दिया क्योंकि अधिकारी भ्रष्ट है सुनने ही नहीं जा, कानूनोगार कह लो लेखपाल साहब कह लो कछु बात पर लड़ाई नहीं भाई, मारपीट जा मारे भाई कि इनने अपनी जमीन को बचावे के लग दबंगन से बचावे के लग अपनी जमीन छुटा रहे थे, सो दबंगन ने इनकी दही मार सोने की लड़ाई झगड़ा भाई तो उल्टो चोर कोतवाल को डांटे इनकी तो मुकदमबाजी भाई नहीं जा बेहद दबंग सोने पैसा वैसा भरता थाने में, हम नहीं कह रहे जो खुद बता सच्चाई कहा है पाल साहब, पहले जो बताओ कहा ना हो तुम्हारा मैं बाबूलाल पाल पंडवाहा निवासी किराम पंडवाहा थाना चोरी फेटे पर जिला झांसी तहसील टहरौली का है। पूर्व मामला कितने दिन हो गए का बात से झगड़ा हुआ साहब? 4 साल में हुई हमें, हमारे चाचा ने हथबंदी रहती उस पर दबंग लोग 5 एकड़ पे करे थे कब्जा, तो 2 साल वकील और लेखपालन ने गुमराह करो तो फीस जमा करवाई कम से कम 20,000 रुपये पहले खर्च होगा, इसके उपरांत सन 22 में उनने खेत के नाप करी पैमाइश करी, इसके बाद बोले कि हम तुम्हारी 1 हफ्ता बाद इसकी पत्थरगट्टी कर देंगे, इसके उपरांत उन लोगों की जमीन लेखपाल ने पैसे लेकर भगा दी, इसके बाद हमें बंधक बनाकर हमारी तार फेंसन थी उसकी थुइयाँ भी फाल ले गए, तार भी ले गए और हमें माँ बहन की गाली भी, इस बात की भी हमारे पास रिकॉर्डिंग सबूत है। इसके बाद हम थाने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हीं दबंग लोगों ने घर में घुस पकड़ कर और 3 से 4 तक मुकदमा लगवाने की कोशिश करने लगे, इस बात की भी रिकॉर्डिंग है, हमको घर में बंधक बना लिया, लात घूंस से मारपीट की, इसके उपरांत 100 नंबर उन्होंने डायल किया तो हमें भी पकड़ के ले गई पुलिस ने, 1 से 1 में चालान कर दिया, इसके उपरांत हम यहाँ SP साहब के यहाँ आए, वहाँ हमने गुहार लगाई तो पुलिस वालों ने हमको डरा धमका के राजनामा करवा दिया, इसके उपरांत फिर पत्थर गाड़े गए हमसे 10,000 रुपया ले गए गीता देवी लेडीज ने, और जो कानी गो के घर में लेगा पैसा का लेगा तुमसे, कानी गो बोले हम जब पत्थर गड़ेंगे जब तुम पैसे दे दोगे, अच्छा अच्छा हाँ पैसा दोगे तब तुम्हारे पत्थर गड़ेंगे, तो इस बात की भी रिकॉर्डिंग है, और कानी गो ने कहा है कि गीता देवी से बात कर लो तुम, मैंने पैसा भी गीता देवी को 4,500 रुपया एक बार दिए, 3,000 रुपया जब खेत में आए तो उन लोगों ने पत्थर गाड़ दिए, इसके उपरांत 8-1 हफ्ता बाद उन पत्थर को उखाड़ दिया गया, तो मैंने थाने में FIR की, FIR करने के बाद SO साहब बोले इसकी पुष्टि करा के लाओ, तो अरविंद लेखपाल द्वारा पुष्टि की गई जहाँ पत्थर उखाड़े गए, इसके बावजूद इन लोगों ने उन पार्टी से पैसा लेकर के मोबाइल से तहरीन मोबाइल से खेत की पैमाइश करके चले गए, बोले तुम्हारा पूरा है, हमने कहा सर हमारी जमीन जरी से नापी जाए, तो इन लोगों ने कहा हम बाद में आएंगे नाप देंगे अगर तुम्हारे तो वो पूरा रकबा हो गया है, इसके उपरांत हम यहाँ भी वहाँ टहरौली भी गए, टहरौली में उन्होंने आदेश दिया, इतने में वो कानी को साफ बंद के दूसरे आ गए, वे कहने लगे कि वही कानी को जाएंगे मैं उसके वहाँ नहीं जाऊँगा, तो मैंने गुहार लगाई उनने बात भी की, तो हमने बात करी उनसे बोले अभी नहीं आएंगे हम वो 10 दिन बाद आएंगे,
दस दिन में इनके कम से कम दो महीना काट गए इन लोगों ने। कुल मिला के जमीन नपी नहीं है। नपी नहीं ना, ना, ना वा नपने काबू रेस्ट बैठे सब। इसके बाद हम एसडीएम साहब के पास आए 25 तारीख। हाँ। इन लोगों ने आश्वासन दिया कि हाँ तुम्हारी कार्रवाई होगी, नप जाएगी। इसके उपरांत जब कोई रिस्पॉन्स नहीं निकला है तो इसके बाद हम 6 तारीख में फिर आए तो उन लोगों ने झूठी पैमाश में लिख दिया कि हम तुम्हारी जमीन नाप गए, जेल विभाग में लेटर देते हैं और तुम्हें हम जेल भिजवा देंगे। कुल मिला के तुम्हें धमकी भी दे रहा है, धमकी दे रहा है, उल्टी दे रहा है, कह रहा है तुम जाना सुनवाई करोगे, पैसे की बात करोगे, तुम्हारे उन पर भी मुकदमा लिखवा देंगे। क्या करो बच्चा, तुम्हारे संग उल्टी चल, उल्टी गंगा बह रही। साहब पैसा की और डिमांड कर रहे हैं साहब, हम गरीब आदमी मजदूर नहीं, पैसा दे भी दो तुम कर्जा उठा के, तो क्या सबूत है कि फिर तुम्हारी नपाई हो जाए। भाई तुमने एक बार 10,000 दे भी तो दे। हाँ हाँ जी, बताओ दादा सही कह रहा है गलत कह रहे हैं। अगर तुम कर्जा मर्जा उठा के करो मांग तुम तो पैसा नहीं, बच्चन को पेट काट के तो मैं दाई इन लोगों से तो कुछ नहीं है, उनकी जे तो क्या है। हां नहीं, 10,000 तुम एक बार पैसा काट कूद के नहीं है घरे, तो काट कूद के घर काम से मंगावा तुमको कह जा हमें देने नहीं होता है। तो साहब का कहना है कहीं भी चले जाओ हमको नाप ले पाएंगे। हां और तुम पैसा ले चले जाओ, पैसे ले आओ तभी नाप होगी। कहीं भी खड़ा तरह करने हम लोगों ने कहा साले तुम ज्यादा वो करोगे तो तुमको हम बंद करवा देंगे, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते। देखो बता दें आपको, जो बच्चा ग्राम टोड़ी फतेहपुर, टोड़ी फतेहपुर को मामला है, और जो मऊरानीपुर टेरोली तहसील है, टेरोली तहसील है, तो मऊरानीपुर विधानसभा है। तो जे हैं भैया पाल समाज के, वो जो बेचारे दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, डी एम साहब का नहीं आए, जे इनके चाचा बेटे बूढ़े चाचा हैं, जो चाची हैं और जे इनकी माता जी हैं। भाई का क्या वो है, तुम्हारी इतनी दबंगई चल रही, लोग का नहीं सुन रहे। बता तो रहे, हाँ बताओ, हम तो यहाँ सुन लेते हैं। जान नहीं पाता खेत पे, वो जाते थे धमकी दिए थे, कहे तुम्हारा बाप न कोकेट कोकेट वो यही कर झूठी झूठी सही संतोष संतो। अच्छा और गई है ते बकरो आवे जो उन्होंने लोग है तो वहाँ यहाँ गए थे मार दिए थे ना, मैं भी खिला तो बंगनी दई। अच्छा क्या करो फिर भाई तुम लोग की जमीन जो है वहाँ गाड़ी नहीं है, हम जमीन नहीं कर रहे, हम खेत पर नहीं जाते, उनने वहाँ जमीन नापी नहीं है, मतलब जाए हम हदबंदी हम लगाए थी तो वह हद नहीं नापी उनने, खड़ने के बाद नापी नहीं है उनने, वो जितने पत्थर गई थी उतने पत्थर गई। भाई मुझे बताओ 4 साल तो हम दर्द की ठोकरे खा रही है, ऐसी उनकी तो क्या करो फिर तुम लोग, हमें तो लग रही सुनवाई नहीं। बताओ इतनी अंधी चल रही, क्या करो तुम जो सरकार में धरना दे रहे, हम लोग तो आत्महत्या करें, हमारे संग फैसला नहीं, ऐसा नहीं करने यार, क्या करो अगर दमंगन से पार पार नहीं सकते, बंदूक बना के झूठे मुकदमा लिखो, बाल बच्चे परेशान है, क्या करें बताओ जल्दी। कुल मिला के दादा कोई सुनने वाला नहीं है, अपनी चाय उनका उनकी चाय, जो गरीब के पैर नाप गई हदबंदी कह गई वो फिर पत्थर गड्डी हो गई, तो हम उनका उनकी क्या मतलब दलाली में तो साहब ऐसे इतने टहरोली तहसील कहानी को लेकर इतने भ्रष्ट हो चुके कि गरीब कम से कम 50-100 आदमी ऐसे फिर रहे। अच्छा हाँ पैसे भी ले ले जेल का काम है, एक गाड़ी में 4-5 लेखपाल और 2-3 कहानी को बैठ जाएंगे, हाँ वह लेडीज बैठ गए भाई, वो क्षेत्र के है ना लेडीज, तो पैसा लेडीज दूसरे से लगवा। अच्छा हाँ कहानी को नाम बताओ। गीता देवी जोशी है एक टोरी फतेहपुर की, कौन सा पद जब पद कौन मिल गया थोड़ी बहुत टाइप में चला रही पानी रूप अंडर का काम कर। अच्छा तो वे दलाली खुद नहीं ले, मतलब लेटेस्ट से लुआ। हाँ उनसे पैसा दुआ के बात कर लीजिए, पैसा उनका दी जा रही। हाँ तो मैं सबूत बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कैसी कर। हाँ रिकॉर्डिंग हमारे पास ऑडियो कैसेट में रिकॉर्डिंग है। हाँ बाकी पैसा कानी को साथ कर रहेगा, निकीता से बात कर लूँ। अच्छा इसकी भी रिकॉर्डिंग है, जो है और जो धमकी भी दे रहे थे कानी को साथ के, तुम्हें हम जेल पहुँचवा रहे हो, तुम लेडीज की ज़्यादा क्यों, तो बोल महिला है तुम्हें चार्जिंग दवा भी सका इस बात की भी रिकॉर्डिंग। और सब जो बताओ अंतिम फैसला क्या है तुम्हें, अंतिम फैसला तो साहब आगे हम 1-2 बार हो रहा है आश्वासन हुए, तो अच्छी बार जो हम सीधी कहीं आत्महत्या करें पूरे परिवार बाल बच्चे सब इतने। अच्छा बिल्कुल बना लो।
और कुछ छुपा है नहीं करें उसको मैंने पूरा बना लो अच्छा क्योंकि हर चीज़ से सब हम चुके इतने परेशान रहे कि हद से ज़्यादा पहले सन 13 से हमारे ऊपर झूठे मुकदमा सुनने आते हैं डाले थे जो हाँ अभी भी बे लोग जाकर तुम हकीकत पे नहीं आ सकते हमारे हम हैं पनवा के बे लोग हैं टोली फतेह कर के उनके मोजे उनके खरब के पास में ज़मीन है जो नुकसान भी करते हैं फसल को उजाड़ देते हैं थोड़ी बहुत ज़मीन बची और जो लोग जमीन पे कब्जा नहीं तुम्हारा उन लोगों की जमीन भी नहीं ना लेकिन उन लोगों से बलकट लेकर जमीन और पैसे दे करके वो बस जमीन अपने कब्ज में करके उसके जूते बखाते हैं लिप पाल कर पानी को पैसे दे देते हैं इसलिए भी मामला को फसल उग जाती है सिर्फ कहते हैं वो फसल कट जान दो चलो इसी तरह से 3 साल से परेशान देखो भैया जी है भैया ग्राम पंडवा के पाल साहब इनकी सच्चाई तुमने सुनी ली हुई है बूढ़ी अम्मा ने का कही इनके चाचा ने का कही कुल मिला के कोई सुनने वालों नहीं है हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश को हाल है जो कि बाबा जी एक तरफ वादा कर रहे हैं जी लोगों ने की गरीबन की जमीन पे न्याय दिलो जाए न्याय का भाड़ में गाओ इनसे तो 10,000 रुपया भी ले लो बाकी बाद भी काम नहीं करो तो अंधी चल रही वो पैसा फिर मांग रहे हैं नपाई तब हुई है या पैसा दो अभी एक बार दे दें इनने पैसा तब नहीं करी नपाई अगर दोबारा दे दो तो कब भरोसा नपाई कर रहे नहीं कर रहे हमें तो नहीं लगा भरोसा कि इनको न्याय मिले तो इनने भी मन बना लो अगर नहीं हो सुनवाई तो इतनी मट्टी को तोड़ डाले जी जे कह रहे पाल साहब नहीं सर हम झूठ नहीं कह रहे वो हमें नहीं तो हम चाहे दवाई भी ले रहे हैं लेकिन हम नेटल लेके पानी को लेपाल द्वारा लेपाल ने हमसे थाने में भी बोले पुलिस वालन का 1,000 रुपया मैंने पुलिस वालन को दिया 2,000 रुपया थाने में उन लिया लेपाल ने लाया और 10,000 रुपया अलग से है तब जे लोग गए तो इन लोगों ने सीधी फोन से एक जगह बैठ के बोले तुम्हारा पूरा है बोले फिर आएंगे तो सब ढीला सब जगह जी चल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर अब भरोसा है कि डीएम साहब भैया दोबारा सुन लेने की मदद हो जाए कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को हटा हो जाए लेखपाल जो बदमाश है इतनी मनमानी कर रहे हैं इतनी दलाली खा रहा है लेडीज के नाम पे लेडीज के रिकॉर्डिंग है ना करें क्योंकि कहा कुछ सुनने वालों ने भरोसा है जो जो वीडियो देखे पहले तो शेयर करें और कमेंट करें कि आखिरकार पाल साहब सही है अभी दलाल सही है आखिरकार ऐसे दलालों को जेल की सराफत होना चाहिए उनकी नौकरी तत्काल बर्खास्त करनी चाहिए क्योंकि जो परेशान है पाल साहब ऐसे लोग परेशान होंगे हिंदुस्तान में तो ऐसे कैसे जो अपने बाली बच्चा पाल सके और आगे बढ़ सके नमस्कार धन्यवाद जयराम जी।